नमस्कार, आप लोग को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आप लोग को इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि आप लोग को टेक्निकल एग्जाम में IT एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। क्वेश्चन है, बिना फ्रीक्वेंसी बदले वोल्टेज व करंट को कम अधिक करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो आपके सामने चार ऑप्शन, इनमें से एक ऑप्शन सही है। जो ऑप्शन सही है आप लोग ध्यान रखिए, स्मरण रखिएगा, याद रखिएगा। और जो नहीं जानते मैं बता रहा हूं तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा। जो आंसर होंगे इसका आंसर ऑप्शन, इसमें कौन सही होंगे, इसमें आपका आंसर सही होगा ऑप्शन बी, ट्रांसफार्मर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बता रहा हूं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेपलाइजर में कौन सा ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन, इनमें से जो ऑप्शन सही है आप लोग जवाब दीजिएगा। अब मैं बता रहा हूँ इसका आंसर, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका कौन ऑप्शन सही होंगे, स्टेपलाइजर में कौन सा ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है? चार ऑप्शन, इनमें से एक ऑप्शन सही है। तो कौन सही है, इसमें आपका ऑप्शन बी सही है, ऑटो ट्रांसफार्मर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन है, क्लिप ऑन मीटर में कौन सा ट्रांसफार्मर उपयोग में लाया जाता है या उपयोग किया जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन, इनमें से एक ऑप्शन सही है। जो सही है आप लोग जवाब दीजिएगा कॉमेंट करके, और जो नहीं जानते मैं उसको बता रहा हूँ इसका आंसर, तो आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। कोई भी टेक्निकल एग्जाम हो, ITI सेमेस्टर एग्जाम हो, वार्षिक एग्जाम हो, जो भी एग्जाम हो टेक्निकल से जुड़े हुए, वो एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रांसफार्मर से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो इनमें आपका ऑप्शन ये सही होगा, करंट ट्रांसफार्मर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बता रहा हूं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री फेज सप्लाई को किस कनेक्शन के द्वारा दो फेजों में बदला जा सकता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन, इनमें से एक ऑप्शन सही है। जो ऑप्शन सही है आप लोग जवाब दीजिएगा, और जो नहीं जानते मैं उसको बता रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, स्मरण रखिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए। जो ऑप्शन आपको इसमें सही लगते हैं उसको आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा, या क्वेश्चन समझने में या कोई भी दिक्कत हो तो उसके लिए भी आप लोग हमको कमेंट करके जानकारी दे सकते हैं। इनमें आपका आंसर सही होगा ऑप्शन सी। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन है आपका, शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर की कौन सी हानि ज्ञात किया जाता है? आपके सामने ऑप्शन चार है, इनमें से एक ऑप्शन सही है। जो ऑप्शन सही है आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग को एग्जाम में उपयोग आएंगे। तो इनमें से चार ऑप्शन है, और क्वेश्चन आपका है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर की कौन सी हानि ज्ञात किया जाता है? इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा, कॉपर हानि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बता रहा हूँ। तो ये जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आप लोग को, ये टेक्निकल एग्जाम और ITI के सेमेस्टर एग्जाम और वार्षिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, स्मरण रखिएगा, कोई जो भी टेक्निकल एग्जाम होते हैं उसमें ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन जरूर होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोग। तो फिर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में सुरक्षा रिले होता है? आपके सामने चार ऑप्शन, इनमें से जो ऑप्शन सही है आप लोग जानते हैं जवाब दीजिएगा, और नहीं जानते तो मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, स्मरण रखिएगा। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ ध्यान रखिएगा, स्मरण रखिएगा, कि आप लोग याद रख पाइए, ध्यान रहे आप लोग को इस बात को, इसलिए बार बार आप लोग को ध्यान में मैं लाता हूँ कि आप लोग को याद रहे क्वेश्चन। तो जहाँ भी आप क्वेश्चन देखें तो ऑप्शन आप लोग को ध्यान में आए तो आप लोग उसका जवाब दे सकते हैं। तो इसमें कौन ऑप्शन सही होंगे, इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा। फिर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कोर में घिरी होती है उसे कहते हैं? तो जो इसमें से आंसर सही होंगे, आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन सही है। जो सही है आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, और जो नहीं जानते मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग कोर में घिरी होती है उसे कहते हैं? आपका चार ऑप्शन, इनमें से जो ऑप्शन सही है आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट करके। तो यार इसका आंसर क्या होंगे, आपके सामने चार ऑप्शन, इनमें से एक ऑप्शन सही है, तो मैं इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी खुशी होती है, तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। तो आप लोग को इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं। तो इसमें इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं। आप लोग को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा।